व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए हैं मेरे को अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आई होप कि यार सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट करेक्टर स्किल्स के बारे में, वो स्किल्स जो किसी भी तरह की सिचुएशन हो यार आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। स्नाइपिंग करनी है, रश करना है, 4v4 करना है, 1v1, ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगती है यार एक लाइक लाजमी कर देना, बिल्कुल फ्री होता है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो यार वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करो। साथ में जो बेल का आइकन उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यार पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यार सबसे पहले जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे वो है क्लैश स्क्वाड 4v4 के लिए। तो इसकी जो पहली स्किल स्लॉट होगी उसमें आप लोगों ने यार यूज़ करना है क्रोनो करैक्टर या अलोक, दोनों में से एक यूज़ कर रहे हैं, जोन सा मर्जी जो आपको अच्छा लगे। मोस्टली लोगों के पास अलोक ही होगा, तो इन दोनों में से आपने देख लेना यार जो आप लोगों को बेस्ट लगे वो यूज़ करना है, लेकिन दोनों में से एक ही यूज़ करना है। तो दूसरी स्किल स्लॉट में आपने यार यूज़ करने हैं हयातो या एंटोनियो। एंटोनियो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा एचपी देता है 25, जो कि बहुत ही मतलब ओपी वाला काम हो जाता है। क्लैश स्क्वाड में तो यार बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो दासू हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, हयातो यूज़ करेंगे। हयातो भी यूज़ करेंगे जब यार बंदा आपको डैमेज देता है और आपकी जो हेल्थ है वो कम होती जाती है, तो आपका करैक्टर डैमेज जो देता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी हेल्थ जितनी कम होगी आपकी गन से निकली हुई गोलियाँ उतना ज़्यादा डैमेज देगी। क्यों? हयातो की वजह से, ये इसकी स्किल है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन यूज़ एक ही करना है दोनों में से। तो यार तीसरी स्किल स्लॉट में आपने जिस करैक्टर की स्किल यूज़ करनी है वो है मोको। तो मोको का यार आपको पता है बेसिकली इसका काम होता है कि ये आपको लोकेशन शो करवाती है 5 सेकंड्स के लिए। लेट्स सपोज के आप एक घर के दाईं जानिब खड़े हैं और आपका जो टीममेट है वो बाईं जानिब खड़ा है, और घर के ऊपर वाली साइड पर या अंदर वाली साइड पर कोई एनिमी है तो आप उसको डैमेज देते हैं, तो ऑब्वियसली यार वो बंदा भागेगा यार, लेफ्ट भागेगा या राइट भागेगा। अगर तो आपकी तरफ आएगा तो तब भी आपका मार्क शो हो रहा होगा कि यार बंदा इस तरफ आ रहा है, और अगर दूसरी साइड पर जा रहा है फिर भी मार्क शो हो रहा है तो आपका मेट उसको इजीली मार देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मकसद ये है यूज़ करने का कि यार ये जो आपको लोकेशन शो करवाता है तो बंदे को मारना इजी हो जाता है। तो तीसरी स्किल स्लॉट में हम यूज़ करेंगे मोको। तो यार चौथी स्लॉट में जिस करैक्टर की स्किल यूज़ करेंगे वो है कैली। तो बेसिकली आपको पता है यार कैली जो यूज़ होती है फास्ट मूवमेंट के लिए। तो अगर आप शॉर्ट रेंज पे फाइट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है फास्ट मूवमेंट जो कि कैली आपको प्रोवाइड करेगी। तो नंबर टू, अगर आप लॉन्ग रेंज में किसी भी बंदे को डैमेज देते हैं तो अगर आपने कैली करैक्टर नहीं लगाया वो जब तक आप उसके पास जाएंगे तो इससे पहले वो मेडी लगा चुका होगा, या तो वो आपको मार देगा या आपको मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप कैली करैक्टर यूज़ करें क्लैश स्क्वाड में, ताकि अगर आप लॉन्ग रेंज में किसी बंदे को डैमेज देते हैं तो उसके मेडी लगाने से पहले आप उसके सर पे पहुंचे हों। तो ये करैक्टर आपने चौथी स्लॉट में यूज़ करना है। तो यार दूसरे नंबर पर जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे वो है रैंक पुशिंग के लिए। तो इसमें जो पहली जो स्किल स्लॉट होगी उसमें आपने यूज़ करनी है कैली। और कैली क्यों यूज़ करनी है यार, बेसिकली आपको पता है जो रैंक पुशिंग होती है ना, इसमें बंदे जो होते हैं साइड्स के एरियाज़ को प्रेफर करते हैं कि साइड के एरियाज़ में ही उतरा जाए जहाँ पर बंदे कम आए, और जैसे जैसे एरिया श्रिंक होता है ना उसके साथ साथ रन करते हैं। तो इधर जो कैली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप एरिया के साथ साथ रन कर सकते हो ईजीली अगर आपने कैली करैक्टर यूज़ किया हुआ है। तो जो पहली स्किल स्लॉट है उसमें आपने रखनी है कैली करैक्टर। तो यार दूसरी स्लॉट में आपने जिस करैक्टर की स्किल यूज़ करनी है वो है अलोक। तो यार ये अलोक जो है, ये अलोक और कैली ये तकरीबन हर किस्म की सिचुएशन के लिए बेस्ट होते हैं। तो अलोक रैंक में किस तरह से काम आता है ये अभी आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे एरिया श्रिंक होता है तो आप लोग आगे वाली साइड पर आते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके सामने वाली साइड पर ऑलरेडी बंदे पहुँचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलोक बहुत ज़्यादा काम आता है यार, जैसे एरिया अगर आपको डैमेज दे रहा होता है या आप किसी वजह से बाहर नहीं निकल पाते तो एरिया अगर आपको डैमेज देता है तो अलोक आपको हील भी करता है और साथ में आपकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज़ करता है। और अगर आपको डैमेज मिला हुआ है बंदों की तरफ से या जोन की तरफ से तो आप एक ग्लू वॉल लगा कर सारे बंदे आप टीममेट्स को भी हील कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा यार मैटर करता है इस तरह की सिचुएशन में। तो दूसरी स्किल स्लॉट में आपने यूज़ करनी है अलोक करैक्टर की एबिलिटी। तो यार तीसरी स्लॉट में जिस करैक्टर की एबिलिटी यूज़ करनी है वो है मोको। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यार मोको जो है शॉर्ट रेंज में किस तरह से काम करती है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग रेंज में किस तरह से काम करती है और रैंक में किस तरह से हमारे काम आती है। यार जब भी आप रैंक खेल रहे होते हैं ना, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यार लॉन्ग रेंज की ही फाइट आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट रेंज की जो फाइट होती है वो लास्ट जोन जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है, नहीं तो नॉर्मली जो है लॉन्ग रेंज की ही फाइट होती है। तो ये किस तरह से काम आएगी मोको हमारे, अगर आपके टीममेट किसी के भी पास MA2 भी है और सामने वाले बंदे को आप फायर करते हैं सिंपली,
तो मार्क जो है वो शो होगा और मैक्सिमम चांसेस हैं कि यार उनके पास ग्लू वॉल होगा और वो कवर लेंगे, लेकिन आपको मार्क शो हो रहा होगा अगर आपने मोको लगाई हुई है। तो आपके टीममेट्स में से किसी के पास भी अगर एम ए टू भी है तो वो लॉन्ग रेंज में उसको फायर कर सकता है, और वो फायर उसी को ही नहीं लगेगा बल्कि उस ग्लू वॉल के पीछे जितने भी बंदे होंगे उनमें से किसी को एक को भी हिट कर सकती है। तो बाकी तीन बंदे ग्लू वॉल भी ब्रेक कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास एम ए टू भी है और मोको का जो मार्क है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। तो लॉन्ग रेंज में मोको जो है इस तरह से काम करती है। तो तीसरी स्किल स्लॉट में आपने मोको लाजमी से यूज़ करनी है, शॉर्ट रेंज में भी काम आती है और लॉन्ग रेंज में भी काम आती है। तो यार चौथे स्लॉट में जिस करेक्टर की एबिलिटी यूज़ करनी है वो है प्लोमा। तो इसकी एबिलिटी हम क्यों यूज़ करेंगे, आपको पहले भी बताया गया रैंक गेम में ना जो लास्ट जोन होते हैं ना उससे हट के जो भी फाइट आपको देखने को मिलेगी वो लॉन्ग रेंज की ही होगी, और लॉन्ग रेंज में जब भी फाइट होती है तो मैक्सिमम आपको एआर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है। और समटाइम ऐसा होता है रैंक में कि आपके पास भी एमओ ख़त्म हो जाती हैं और आपके टीममेट्स के पास भी एआर एमओ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने प्लोमा करेक्टर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्टोर कर सकते हैं अपने बैग में। तो चौथी स्लॉट में आपने यूज़ करनी है प्लोमा। तो यार तीसरे नंबर पर जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे वो है 1v1 कस्टम, ऑलमोस्ट हर बंदे का फेवरेट होता है। तो यार इसमें जो करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा यार बहुत ही ओपी होने वाला है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ सोलो वर्सेस सोलो में होती है आपकी स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी काम करेंगी, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो ये चीज़ें भी काम नहीं करने वाली। ठीक है, पहले स्किल स्लॉट में आपने रखना है अलोक, बेसिकली आपको यार पता ही है इसकी एबिलिटी का। दूसरा नंबर पर आपने रखनी है यार कैली, कैली क्या काम करती है आपको फास्ट मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तीसरी स्लॉट में आपने रखना है हयातो, जैसे जैसे आपको डैमेज बढ़ता जाएगा आपकी हेल्थ कम होगी, आपका करैक्टर अगले बंदे को ज़्यादा डैमेज देगा, ये है हयातो की एबिलिटी। चौथी स्लॉट में आपने रखना है मोको, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है मोको, सबसे स्पेशल है मोको भाई साहब। सोलो में दो किस्म के बंदे आते हैं आपके अपोजिट, जो होते हैं रशर और एक होते हैं भाई पीक लेकर खेलने वाले। अगर पीक लेकर खेलेंगे तो अगर आप फायर करते हैं आपको पता चल जाएगा भाई इस जगह पे पीक लिया हुआ है, अगर कोई रशर होगा आपके अपोजिट तो भाई बहुत ही ज़्यादा तासू होने वाला है मोको, क्योंकि वो बंदा आप पे ऑब्वियसली रश करेगा, वो ये नहीं देखेगा मुझे डैमेज दिया उसने या नहीं दिया, वो आप पे रश करेगा। अगर मार्क शो हो रहा है ट्रस्ट में आप इजीली उसको मतलब सपोर्ट करके मारोगे कि भाई इस तरफ से आ रहा अभी इसको मारना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है काम। आप इस सिचुएशन को समझते होगे यार जब बंदा आप पे रश कर रहा हो लेकिन उस पे मार्क लगाओ, अगले बंदे को समटाइम नहीं पता होता लेकिन अगर उस पे मार्क लगाओ तो गंदे वाला पिटता है वो जितना मर्जी प्रो हो। तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है यार, आई होप कि ये सबसे ज़्यादा आपको पसंद आएगी, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद आई है यार। यार चौथे नंबर पर जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे वो है अगर आप किसी पे रश करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी। तो पहले नंबर पर यार जो पहली स्लॉट होगी उधर आपने रखना है CR7 करेक्टर या हयातो या अलोक, तीनों में से कोई भी एक करैक्टर आप यूज़ कर सकती हैं जिसको आप प्रेफर करें। मैं आपको प्रेफर करूँगा अलोक या क्रोनो करैक्टर ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों बेस्ट है। नंबर टू पे आपने रखना है यार कैली जो कि आपको फास्ट मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। नंबर थ्री पे फिर आ जाती है यार मोको, तो इसका ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्यों यूज़ करना है, तो अगर आप रश करते हैं किसी पे भी तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और चौथे नंबर पे आपने यूज़ करनी है प्लोमा, ये भी जितने यार एनिमीज़ ज़्यादा होंगे, लेकिन होगा कि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं या स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं अपोजिट पे बंदे ज़्यादा होने चाहिए तब आपने प्लोमा करैक्टर यूज़ करना है, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो चौथे नंबर पर जो स्ट्रेटजी है यार वो है रश के लिए, तो ये वाला करैक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट होने वाला है। तो यार पाँचवें नंबर पर जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे वो है स्नाइपिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट यार हर बंदे को स्नाइपिंग करना पसंद तो होती है लेकिन ये थोड़ी टफ होती है, हर बंदा स्नाइपिंग कर नहीं सकता तो इस वजह से यार थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन इसके लिए जो करैक्टर कॉम्बिनेशन है ना उस पर जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लॉट है ना वो है शार्प शूटर की, जो कि आपको एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, जब भी आप स्कोप ऑन करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो सबसे पहली जो अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हैं पहली स्लॉट में आपने रखने हैं शार्प शूटर, ठीक है, उसके बाद जो फिर नॉर्मल आ जाती हैं लेकिन इसके साथ जो मैच करते हैं ना वो चीज़ें आपको बताऊँगा, वो है अलोक। दूसरी स्किल स्लॉट में आपने यूज़ करना है अलोक, तीसरी में आपने यूज़ करना है कैली, फास्ट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा काम आता है स्नाइपिंग के दौरान, तो और चौथे नंबर पर जो स्लॉट होगी उसमें आपने यूज़ करनी है मोको, जो कि आपको लोकेशन देगी आपको भी और आपके टीममेट्स को भी।
तो बस यार गाइस आज की वीडियो इतनी ही है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार लाइक लाजमी कर देना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है ये वाली, एक लाइक लाजमी कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी से शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।